जिथे औलियाई फकीरी ते तसव्वुफ बहुता गहरा हो जावे ना, डूंगा हो जावे, अल्लाह की कसम है उस बंदे दे उत्ते शरीयत दे राज खुल जावे। फकीर और फकी ए एक मकाम ते कठे होंदे ने तो फिर समझ लगती है शरीयत कितनी उच्ची चीज है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फिका दी तारीफ पे कर दे अलबार और रायक वगैरह दे विच लिखी हुई है कि इमाम आजम ने फिका दी तारीफ की लिखी है। दूजे किताबें ते अपने अपने कद के मुताबिक हर किसी ने तारीफ की हुई ठीक है। गैर मालूम इलम, मालूम इलम की रोशनी विच गैर मालूम इलम तक पहुंच जाना यह भी फिका दी एक तारीफ है। लेकिन इमाम आजम जैसे सूफी बुजुर्ग ताबी और सीनियर आदमी ने फिका दी तारीफ ए लिखी है कि हुवा मारिफतुन नफ्स मालहा व मा अलैहा। फिका अपने नफ्स नु पहचानन दा नाम है कि एदे जिम्मे की है ते एदे हुकूक की ने। नफ्स दा हक और नफ्स दी जिम्मेदारी समझना कि नफ्स दी ड्यूटी की है और इसनु मैं टुक्कर पानी की तरह तुनना है, इनू मैं रजाउना किन्ना है तो इनू मैं खपाउना किन्ना है। इस गल दी जिनू मारफत आ जाए वह फकी होंदा है। हुण समझ आई? फकीर ने यह गल्लां सिखणियां होंदियां ते इमाम आजम पे फरमांदे ने फकी ने यह गल्लां सिखणियां होंदियां। फिकह इसे चीज का नाम है।